बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल कुकिंग विद आमना में। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम आलू के खट्टे कबाब बनाएंगे। बहुत ही जबरदस्त खट्टे और स्पाइसी आलू के कबाब ये बनते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आलू के खट्टे कबाब बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टे आलू के कबाब बनाने के लिए मैंने 5 से 6 आलू लिए, उनको बॉयल कर लिया है। ये 2 अदद कैरियां थी तो मैंने छील के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। 1 अदद प्याज बारीक चॉप की हुई, आधी कटी हरी धनिया की बारीक चॉप की हुई, 1 अदद लेमन का जूस, 3 से 4 हरी मिर्चे बारीक चॉप की हुई, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच साबुत धनिया। सबसे पहले हम सारे आलुओं को जो है वो मैश कर लेंगे। हाथ की मदद से या मैशर की मदद से जो है वो आप सारे आलुओं को मैश कर लें। मैं आलुओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब इसमें बाकी इंग्रीडियंट्स भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ हम कैरी का पेस्ट इसमें डाल देंगे, इसके अलावा लेमन जूस, इसमें ये हरी मिर्चें, चौकिया हुआ प्याज, हरा धनिया और ये चाय मसाले डाल देंगे सारे। इसमें ये 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खट्टे आलू के कबाब का मिक्सचर जो है वो तैयार है। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कबाब की शेप दे देंगे। इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर दे के इसको इस तरह कबाब की शेप दे देंगे। बहुत ही खट्टे और बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा ये इस तरह, और बाकी सारे भी मैं इस तरह बना के रख लूँगी। मैंने कबाब तैयार कर लिए, अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। खट्टे आलू के कबाब जो हम कबाब को जो है वो पैन में फ्राई करेंगे। थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर ये कबाब डाल देंगे। इनको हम फ्राई कर लें, दोनों साइडों से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। मैं कबाब की साइड को जो है चेंज कर लूँगी, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया एक साइड से, इसी तरह से दूसरी साइड से भी गोल्डन होने तक जो है वो कबाब फ्राई कर लूँगी। दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, आगे इसे प्लेट में निकालूंगी और इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे ज़बरदस्त से आलू के खट्टे कबाब तैयार हैं। बहुत ही खट्टे और बहुत ही मज़ेदार बने हैं, स्पाइसी। आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।